कंचर एक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना योद्धाओं को ड्यूटी पर वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मंत्री से मंत्री की सेवाओं को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। आवाज दो आवाज दो हमने गए साडा हक तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे देंगे। आवाज दो हमें कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। रजनी है, मैं कोविड की स्टाफ हूँ और हमारे को यहाँ 41 दिन बैठे हुए हो गए। जब कोई कोरोना आया था तब हमारे को रखा गया था और उसके बाद हमारे को अभी पीछे 31 तारीख को निकाल दिया गया था। कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया, हमारे को सीधा ऐसे कह दिया गया कि आप अपने घर जाओ। जितनी ज़रूरत थी सरकार ने उतने टाइम तो हमारे से काम करवाया और उसके बाद हमारे को निकाल दिया। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे को दोबारा अपनी ड्यूटियों पर रखा जाए। हमारे घर नहीं चलते, कई हमारे स्टाफ ऐसे भी हैं जिनके घर परिवार ये नौकरी से ही चलते हैं। हम बहुत परेशान हैं, सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे को नौकरी पे दोबारा लिया जाए। बहुत मुश्किल से चला रहे हैं हम, किराए लगा के घर से यहाँ धरने पे भी बैठे हैं। सरकार को फिर भी हमारी तरफ कोई भी उनको मेहर नहीं आ रही कि भी हम इनको दोबारा लिया जाए और हम बहुत ही परेशान हैं घर से। सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे को दोबारा हमारी नौकरी पर लिया जाए। मैं अमित कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन जिला सिरसा की ओर से आज हम एक गेट मीटिंग का आयोजन किया है। हमारी मुख्य मांग है, जो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश हैं कि भी इन कोरोना योद्धाओं को नौकरी पे वापस लिया जाए, उनकी सरकार के द्वारा पालना हो मुख्य तौर से। और जो ये कोरोना योद्धा जिन्होंने उस वैश्विक महामारी के समय जनहित में अपनी सेवाएं दी हैं, जब परिवारों ने परिवारों का साथ छोड़ दिया था, इंसानियत जहाँ हार चुकी थी, जहाँ पर एक ही परिवार के सदस्य अपने ही परिवार के सदस्यों को हाथ लगाने से डर रहे थे, तब इन कर्मचारियों ने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और आज जो सरकार ने इनके साथ यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए इनकी सेवाओं को बर्खास्त कर दिया है 31 दिन को, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहता हूं और अपनी मांग रखना चाहता हूं कि भी स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन ने, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इस चीज़ की जिम्मेवारी ले ली है और कमर कस ली है कि जब तक ये हमारे हटाए हुए कोरोना योद्धा ड्यूटी पे वापस नहीं आते, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई को अग्रिम पंथी में लड़ेंगे। इनकी रणनीति में कल का एक कार्यक्रम है, माननीय सिविल सर्जन सिरसा के माध्यम से सभी 22 के सिरसा में हम करेंगे और 22 के 22 जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री, डीजी मैडम और NHM हेल्थ, इनको ज्ञापन दिया जाएगा कि भी 16 तारीख तक इनको नौकरी पे बहाल कर दिया जाए, अन्यथा 17 मई को हम DG और NHM कार्यालय पे जाके प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ SKS, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी इसमें 70 से ज़्यादा यूनियनों ने इनका सहयोग और मतलब कि भी इनकी आवाज़ के लिए वो एकत्रित हो चुके हैं। तो सरकार से आग्रह है कि भी इन्होंने जो करके दिखाया है इनका इनाम देना ही पड़ेगा सरकार को, इनकी नौकरी बहाल करनी ही पड़ेगी। ये जनता की भी मांग है, यूनियनों की भी मांग है और ये इंसानियत की भी मांग है।